शोर मचाया जा रहा है कि कोई शराब नीति है, शराब नीति में घोटाला हो गया, लिकर पॉलिसी आ गई, बहुत बड़ा करप्शन हो गया। गुजरात जो एक ड्राई स्टेट माना जाता है, जहां शराबबंदी है, उस सूबे गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गैर कानूनी शराब, इलीगल शराब का व्यापार होता है। ये भाजपा के लोग ही चलाते हैं। कभी सीबीआई गुजरात गई? अगर शराब नीति ही मुद्दा था तो सीबीआई को सबसे पहले तो 10,000 करोड़ के इलीगल शराब रैकेट को बस्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुजरात जाना चाहिए था। भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के कोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ, जिसमें कोकेन, ओपियम, हीरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, कभी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे आपको नजर आई?